छोड़ दो, देखो देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। पापा, बुआ से दाल मांगो ना। आ! अरे पागल हो गई है, अपने आप को ही जलाने पर तुलिए। तो और क्या करूं? ऐसे तो आप लोग कुछ अपने आप से बात करने वाले हो नहीं, तो एटलीस्ट मैं तो ट्राई करूं। एक ही घर में रहते हुए भी हम लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, तो डाइनिंग टेबल पर भी क्यों खाते हैं? अपने अपने रूम में ही खा लेना चाहिए ना। बदतमीज, समझाइए इसको। चुप कर जा बच्ची, चुप कर। परिवार, रिश्ते, प्यार, एहसास, इन सब की परिभाषा वहां से बदलने लगती है जब इंसान कागज के टुकड़ों का गुलाम होने लगता है। कुछ पाने के चक्कर में क्या छूट रहा है अगर वक्त रहते इस पर नजर ना डाली जाए, तो सामने आते हैं इस लापरवाही के अंजाम, जहां अपनों की भीड़ में भी इंसान अकेला रह जाता है। उम्र दराज इस अकेलेपन पर शायद काबू पा जाए, लेकिन उन मासूमों का क्या जिनके दिलो दिमाग पर हर बात एक छाप की तरह छूटती है और जिंदगी में तजुर्बे की कमी और अपनों का परायापन उन्हें वीरान कर देता है, और फिर जिन राहों पर वो निकलते हैं वहां उन्हें मंजिल नहीं मिलती बल्कि हादसों से टक्कर होती है। इन्हीं हादसों और गैर जिम्मेदारी की कहानी कहता है हमारा आज का ये एपिसोड। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज, प्लीज मुझे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। रुको रुको रुको, ये चाचू का अभी कुछ पता नहीं चलता, कब मूड बन जाए कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता। अरे पंखुड़ी है ना, सारे प्लान इसी की वजह से बनते रहते हमेशा। जल्दी कर, सब लोग आते होंगे, जल्दी कर। इधर इधर। दादी, हाँ। जिस दिन का मैं वेट था वो दिन फाइनली आ ही गया। हाँ। कितना मस्ती करेंगे ना आज। हाँ। खेलेंगे, खाएंगे, भले कुछ दिन के लिए, पर हाँ, बहुत हाँ, मस्ती करेंगे। बेटा, तेरे जिद के लिए तो प्लान बना है। हेलो, हाँ जी, क्या मल्होत्रा साहब के माल की डिलीवरी नहीं हुई? एक मिनट में चेक करके बताता हूँ जी। भैया, आपने मल्होत्रा साहब का माल नहीं डिलीवर करवाया? ये बोल तो दिया था। अरे हाँ, वो शायद टेम्पो का प्रॉब्लम था। शायद टेम्पो का प्रॉब्लम था से क्या मतलब है आपका? अरे कोई काम तो ढंग से कर सकते हैं आप। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, तुमने क्यों नहीं देखा? दिन भर घूमते रहते हो। घूमने तो आप जा रहे हैं, सारा काम छोड़ के। मेरा सामान बाहर निकालो, हम नहीं जा रहे। मेरा भी सामान उतार दो। जब अनिल भाई साहब की वजह से काम रुका है तो उन्हें करने दीजिए ना। हम अपनी ट्रिप क्यों कैंसिल करें? क्यों? हिस्सा बटोरने के लिए तो बराबर खड़े हो जाते हो ना। थोड़ा बहुत काम कर लिया तो क्या हुआ? चुप रहो तुम सब, कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो गाड़ी में बैठो। माँ, काम बहुत जरूरी है, हम लोग घूमने बाद में जाएंगे, समझने की कोशिश करो, चलो उठो। अरे घूमने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ऐसी भी क्या कमाई जो किसी को खुशी ही ना दे सके। तू दुखी मत हो बेटा, मुझे पता है नाराज है हमसे, तुझे फार्म हाउस नहीं ले गए ना, इसलिए। ये क्या कर रहे? ज्वालामुखी, ये क्यों? दादी, हाँ, इस घर में तो हर एक के अंदर एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। क्या हम पहले जैसे कभी खुश नहीं रह सकते? खुशियाँ जगह की नहीं, इंसानों के मोहताज होती हैं, पर इस घर में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। लक्ष्मी इतनी आई कि सरस्वती ने तो रास्ता ही बदल दिया। तो दादी, काश ऐसा हो जाए ना कि भले पैसा कम हो जाए पर प्यार बढ़ जाए, ताकि हम सब साथ में अच्छे से तो रह सके। कितनी छोटी सी है मेरी बच्ची, पर कितनी समझदार।
ये बच्चियां कौन थी और वो आदमी कौन था जो अपनी जान की भीख मांग रहा था, इन्हें क्यों बंदी बनाया गया था। दूसरी तरफ ये परिवार जिसका हर सदस्य एक दूसरे की तरफ पीठ किए अलग ही दिशा में आगे बढ़ रहा था, जिसकी लापरवाहियों और अनदेखियों ने एक मासूम बच्ची पंखुड़ी को सोच से बुजुर्ग बना दिया था, जो पैसे को लात मारकर गुर्बत की जिंदगी मांग रही थी सिर्फ इसलिए ताकि परिवार और उसकी खुशियां लौट आए, एक दूसरे के लिए वक्त लौट आए। इस परिवार के सिर्फ आदमी नहीं बल्कि औरतें भी दोनों हाथों से कमाना चाहती थी, जिसकी वजह से ये सब एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी। पर आखिर ये सब चाहते क्या थे? इंसान सुख शांति के लिए दौलत कमाता है, लेकिन क्या सिर्फ दौलत से ही सुख शांति मिलती है? गाड़ी आधा घंटा लेट लेके आया तू, आज बॉस देखेंगे तो। सारे टेम्पो आ गए? हाँ सर, बस एक गाड़ी बची है, डिलीवरी हो गई, आने वाली है। ठीक है, आ जाए तो रजिस्टर में नोट कर देना टाइम के साथ। आनंदनी बोलो। कहाँ हो तुम? फिर अभी तो दो दिन पहले बिजनेस टूर से होकर आए हो, फिर से जाना है? ये कोई तरीका होता है? तुम्हारी फैमिली भी है। अरे तो काम करना है, जाना पड़ेगा ना, अय्याशी करने थोड़ी जा रहा हूँ। और सुनो, बैग तैयार रखना, सुबह जाना है मुझे। कब से खड़ी है गाड़ी? काफी टाइम पड़ा। गाड़ी के अंदर चेक करो, पेपर से क्या देखो? जी सर, आस पास जाके चेक करो, कुछ मिलता है क्या? देखो सर, ये पेपर मिल गया। किसी शरद के नाम पे रजिस्टर्ड है, बांडुप का एड्रेस। सर उस तरफ एक फार्म हाउस है जो कुछ दिनों से बंद पड़ा है, और उसके कुछ ही दूरी पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, पर टेम्पो के आसपास में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? टेम्पो वाला भी आसपास नहीं है। गाड़ी को कस्टडी में लो और फोरेंसिक टीम को फोन करो। यही दोनों है जिन्होंने मेरी बम्पर पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया था। क्या सबूत है कि ये दोनों ही थे? देखिए भाई साहब, हो सकता है आपका बेटा झूठ बोलता हो। मैंने देखा था, अमित भैया और दर्पण भैया ही थे। इन दोनों की पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ मैं। भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुनो। आप एक काम कीजिए, आप एक पैसे रख लीजिए, और चाहिए तो और ले लीजिएगा। आप इसका इलाज कराइए, इन दोनों को हम लोग संभाल लेंगे। लोगों के मुंह में नोट ठूसकर कब तक अपनी गलतियों को छुपाता रहेगा? छोड़ो ना माँ, बच्चे हैं, शरारत कर देते हैं, और वैसे भी इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। भाई प्लान क्या है तेरा, ये तो बता। सुन के मजे ले गए देख के? देख के तो जा, पंखुड़ी को बुला कर। पंखुड़ी को? अच्छा ठीक है। चल, तुझे क्या पंखुड़ी, आना। तुम लोग मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे बाबा कोई प्रैंक नहीं कर रहे हम लोग, जल्दी आ जा। चल। अच्छा ठीक है। भाई पंखुड़ी, पंखुड़ी भाई, पंखुड़ी भाई क्या हो गया, इसे देखता है यार। ए पंखुड़ी, पंखुड़ी उठ यार, मत करना पंखुड़ी, उठ यार। अभी इसको होश में लाता हूं। गुड भाई, कुछ कर। ए पंखुड़ी, देख पंखुड़ी, इधर देख। तू जो कुछ देखती है घर पे बता देती है ना, इसे चुगली कहते हैं, है ना? और अब ये मत बता देना वरना। यार पंखुड़ी, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। देख मैं रिक्वेस्ट करता तुझसे, ये सब बात प्लीज घर पर मत बताना यार, प्लीज। मैं नफरत करती हूँ तुम दोनों से। अरे पंखुड़ी यार बात तो सुन यार, प्लीज यार घर पे मत बताना। पंखुड़ी बात सुन, बात सुन। पर एक प्रॉब्लम है, जितना मैं तुमसे नफरत करती हूँ ना,
उससे ज्यादा मैं तुम लोग से प्यार करती हूँ। प्रैंक्स, शरारतें, मस्ती इस तरह की हरगिज नहीं होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को खतरा हो, किसी को ठेस पहुंचे। घर के बड़े और जिम्मेदार जब इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज करते हैं और अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं तो यह खतरा किसी भी वक्त भयानक रूप ले सकता है, और यही हो रहा था रस्तोगी परिवार में। पूरे दिन में सिर्फ 20 साड़ियां बिकी है, प्रॉफिट तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन किसको क्या पड़ी है ना, उस नीलम को मैं छोड़ूंगी नहीं, देखूंगी मैं उसे। टेंशन के मारे मेरे बाल झड़ने लगे हैं, अगर यही हाल रहा ना तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? मेरी तो कुछ फिक्र ही नहीं है। नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता सर। ठीक है, तो आला क्या माला कड़वा? हो सर। राणे, ये शरद के फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, पता करो कि गायब होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी, और एक खबरी को यहाँ 24 घंटे नजर रखने को बोलो। क्यों रो रही हो? ताया जी, मम्मी ने मुझे बहुत चिल्लाया। क्या है? मम्मी इस पे साइन। तू स्कूल पढ़ने जाती है या मस्ती करने जाती है? साइंस में तेरे 65 और मैथ्स में तेरे 61। पर मम्मी, इंग्लिश और एसएस में तो 90 अप है ना। सोशल साइंस की कोई वैल्यू होती है? तू और तेरे बाप ने ना दोनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। तू स्कूल में जाती है कि मस्ती कर सके, और तेरा बाप कभी फोन नहीं उठाता, घर में टाइम नहीं देता। जा अपने बाप से साइन करवा, मैं इसमें साइन नहीं करूंगी। अरे पगली, इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? ला, मैं साइन कर देता हूँ, ला। अरे क्या है, तुम्हारी मम्मी किसी और से गुस्सा होगी तो इतने तुम गई तो इसलिए डांटा होगा। लो, ये भी साइन हो गया। अब मेरी पंखुड़ी के लिए एक मीठा सा गिफ्ट ले लो। पंखुड़ी, पंखुड़ी, अरे कहाँ है पंखुड़ी? नंदिनी, पंखुड़ी को देखा कहीं? नहीं माँ जी, यहीं कहीं होगी। अरे तुम तो सुबह से अपने डिजाइन देखने में ही लगी रहती हो, तुम्हें कुछ होश भी है? कहाँ है बच्चे? सुबह से ढूंढ रही हो, मिल ही नहीं रहे हैं। क्या हुआ मम्मी जी? पंखुड़ी कहाँ है पता भी है कुछ? और अमिता दर्पण कोई भी दिखाई नहीं दे रहा सुबह से। मम्मी जी यहीं होंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे? तुम लोगों को कोई फिक्र भी अपने बच्चों की? मैं ही ढूंढती हूँ। पंखुड़ी, पंखुड़ी कहाँ है बेटा? दादी हमें क्या पता पंखुड़ी कहाँ है, हम तो लेट नाइट मूवी देखकर आ रहे हैं बस। अच्छा, जाओ अपने अपने माँ बाप को उठा के लेके आओ। अरे जाओ। सर, मेरी पोती पंखुड़ी सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ किस हाल में है। आपने अपने रिश्तेदारों और उसके दोस्तों से पता किया? हो सकता है वहाँ। सर जहाँ जहाँ वो जा सकती है सब जगह पर पूछताछ की, सर कहीं नहीं मिली। आपकी बेटी है? मेरी भतीजी है। उसके पिता क्यों नहीं आए कंप्लेंट लिखवाने? सर मेरा भाई कुछ काम से पूना गया है, टूर पे है। उसका फोन ट्राई किया था
लेकिन वो भी नहीं लग रहा है। आप लोगों ने आज सुबह से उसे नहीं देखा, ये भी तो हो सकता है कि वो कल रात या शाम से गायब हो। बाहर आप उसकी डिटेल्स लिखवा दीजिए और उसकी तस्वीर दे दीजिए। जी सर, शरद की लास्ट मोबाइल लोकेशन हनुमान नगर ड्रेस हुई है। क्या अपने घर से इतनी दूर हनुमान नगर के जंगल में वो कर क्या रहा है? और अगर उसके साथ वहीं कुछ हुआ है तो वहां किसी ने तो उसे देखा हो। चला इतने जाऊन बगुए। इसे देखा है? हाँ साहब, कुछ दिन पहले इधर आया था ये। उसके बाद इसको मैंने फार्म हाउस की तरफ जाते देखा। और वापस आते? वापस आते तो नहीं देखा साहब। किसका ये फार्म हाउस? साहब शक्ल से तो मैं नहीं जानता साहब, लेकिन साहब वो फार्म हाउस है ना, उसके आगे इन लोगों की फैक्ट्री भी है साहब। लेकिन साहब ये फार्म हाउस में ये लोग बहुत कम आता है साहब। नंदनी तुम्हें पता है ना मैं पुणे में क्लाइंट के साथ बिजी हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ। बाय मिस्टर नवीन। यस, हमें आपसे कुछ पूछता है। बोलिए। इसे जानते हैं? नहीं। टेम्पो ड्राइवर शरद, 5 दिन से गायब है और आखिरी बार इसे आपके फार्म हाउस जाते हुए देखा गया। तो हम जानना चाहते हैं कि वहाँ करने क्या गया था। टेम्पो ड्राइवर्स को हायर करना, उनको काम असाइन करना, ये तमाम काम जो है मेरा सुपरवाइजर करता है। माधव श्याम जी को अंदर भेजो। बैठ। एक टेम्पो ड्राइवर आखिरी बार आपके फार्म हाउस जाते हुए देखा जाता है और फिर गायब हो जाता है, और आपको पता था उसके टेम्पो में ब्लड के स्टेन्स भी मिले। देखिए मैं फार्म हाउस जो हूँ कभी कभार ही जाता हूँ। सर श्याम। ये शरद है टेम्पो ड्राइवर। नहीं सर, ये हमारे इधर काम नहीं करता है, और वैसे हमारा कोई ड्राइवर मिसिंग भी नहीं है, आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकते। हमें आपका फार्म हाउस चेक करना। सॉरी, देखिए अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जितना कोऑपरेशन हो सकता था मैंने किया। एंड प्लीज एक चीज और है, बिना वारंट के प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं। प्लीज सर इसे तो वारंट चाहिए। मुमकिन है इसका और शरद का पाप का कोई ज्वाइंट खाता हो, पहले वो पता लगा दें फिर इसे कानून सिखाएंगे। रस्तोगी परिवार के रिश्ते प्यार मोहब्बत पर नहीं, शायद नफरत और इल्जामों पर ही टिके थे। सब कागज की जायदाद जोड़ने की फिराक में भावनाओं की नीलामी कर रहे थे। क्या शरद और पंखुड़ी के लापता होने में कोई एक कड़ी कॉमन थी? पंखुड़ी किसके आगे गिड़गिड़ा रही थी? शरद के टेम्पो से मिला खून आखिर किसका था, और क्या वास्ता था उसका रस्तोगी परिवार के फार्म हाउस से? केस का की? ठीक है उसे थाने बुलाओ, आगे देखते हैं। रिपोर्ट लिख लो सर। ठीक है। हाँ। सर शरद के बारे में जितने भी लोगों से पूछताछ की है एक बात कॉमन निकली है कि वो बहुत ही गुस्से वाला है और बहुत लोगों से दारू पी के मार पिटाई भी कर चुका है। ठीक है उसके घर पे जाके देख। वो तो 2 साल पहले उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, तब से वो ऐसा हुआ है। कहाँ गई वो? कहीं एड्रेस आएगा थी सर? सर मुझे लगता है शरद ने बदला लेने के लिए अपनी बीवी को ढूंढ निकाला होगा और वो खून के निशान उसके ही होंगे। शरद की माँ ने जो मीना की बहन का एड्रेस दिया वहाँ जाके पता करते अभी वो कहाँ है, अब तो वही हमें कोई क्लू दे सकते। ठीक है शाम को देखिए। सर पंखुड़ी का फोन के लास्ट लोकेशन हनुमान नगर। हनुमान नगर दामले? कोई लड़की अकेले इतनी दूर नहीं जा सकती, जरूर उसे कोई लेके गया हो सकता है। सर यह भी पता चला है कि उस फैमिली का इस एरिया में एक फार्म हाउस भी है। इसका मतलब तो ये बनता है कि कोई बाहर वाला नहीं बल्कि कोई घर वाला ही उसे वहां लेके गया हो। दामले अनिल को फोन करके इन्फॉर्म करो और फार्म हाउस आने के लिए बोलो। ओके सर। हेलो मीना। हाँ सर। शरद 1 हफ्ते से गायब है, आपके पास उसकी कोई खबर है? नहीं साहब, मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है और मुझे उसकी कोई खबर रखनी भी नहीं है। रोज का मचमच था, पैसे उसके पास रहते नहीं थे, लेनदार रोज दरवाजे पे आते थे और आए दिन रोज न रोज किसी से मारा मारी करता था। यहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिला, लगता है फार्मा उसके आस पास ही कुछ मिलेगा जो अब तक हमारी नजरों से छूट रहा था। तालक सर आप यहाँ? तुम यहाँ कैसे? एक मिसिंग केस के सिलसिले में एक टेम्पो ड्राइवर 1 हफ्ते से गायब है, आखिरी बार इस फार्म हाउस में आते हुए देखा गया था। चलो फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से पूरी जगह की तलाश करो।
सर बिल की कॉपी मिली। ये तो आसपास की किसी दुकान का लग रहा है, इसे एविडेंस पे जमा करो। अगर ये जगह बंद थी तो ये बिल यहाँ कहाँ से आया? सर ये देखिए, इसे देखकर तो लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा क्राइम हुआ है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ब्लड के सैंपल्स को टेस्ट के लिए लो। सर क्या ये पॉसिबल है कि ये खून शरद का? लेकिन सर बिना चाबी के वो अंदर घुसा कैसे? और दोनों केसेस में कनेक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि ये फैमिली तो शरद को जानती तक नहीं। सर बाथरूम से लाइटर मिला है, इसे भी कस्टडी में जमा करो। सर अगर ये जगह बंद थी तो ये लाइटर, ये बिल और ये खून, ये सब यहाँ कहाँ से आए? मिस्टर अनिल, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आपका ये फार्म हाउस हमारी निगरानी में रहेगा। जितनी शिद्दत से तुम मेरे पीछे लगी रहती हो ना, अगर इसका आधा एफर्ट भी तुमने पंखुड़ी के ऊपर लगाया होता तो आज वो हमारे साथ होती। मैंने उसे अकेले पाला है। बिजनेस टूर से कभी फुर्सत मिली है तुम्हें? नोट छापने की मशीन के अलावा अगर कभी अच्छे बाप भी बन गए होते ना तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तुम तो बड़ी एफिशिएंट हो ना, तुमने पंखुड़ी के लिए क्या किया, क्या ध्यान दिया तुमने उस पे? तुम्हें होश में ला रही हूँ। सारी जिंदगी जायदाद कमाते रहे और तुम झगड़ा करती रही। कभी मेरी बच्ची पर ध्यान दिया? कभी उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि बच्ची तू कैसी है? शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। ये बिल आपके दुकान की है? हाँ सर, ये बिल हमारी दुकान का। बता सकते हैं कार्ड किसने स्वैप करवाया था? सर शकल तो याद नहीं है, पर इतना याद है वो 2 16-17 साल के लड़के थे। ये रहा सर। यस सर, हम फार्म हाउस जाते थे लेकिन सिर्फ मस्ती करने, दारू वारू पीते थे पर कुछ गलत नहीं करते थे सर। हाँ सर, और जिस दिन पंखुड़ी गायब हुई थी उस दिन तो हम फार्म हाउस के आसपास भी नहीं गए थे। वहाँ नहीं गए थे तो फिर कहाँ गए थे तुम लोग? सर उस दिन हम मलाड के एक मॉल में घूम रहे थे। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। सर इन दोनों की इंक्वायरी की है। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट सबका यही कहना है कि 24 घंटे ये दोनों प्रैंक करने के प्लानिंग में लगे रहते हैं। कभी कभी मजाक तो बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार कोई मजाक हाथ से बाहर निकल गया हो और पंखुड़ी उसकी शिकार बन गई हो? दामने पता करो कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ। जिस दिन पंखुड़ी गायब हुई ये दोनों मलाड मॉल में थे या कहीं और? यस सर। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। पापा ज्यादा मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे भी मुंह खोलना पड़ेगा। भाई तूने तो आज मरवा ही दिया। अब ज्यादा ड्रामा मत कर, अब तो बहुत मजे ले रहा था। अरे मजे की छोड़, अब ये सोच अपनी जान कैसे बचाएंगे हम। सर दर्पण और अमित के कॉल डिटेल्स के मुताबिक वो हनुमान नगर में ही थे। शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिया। बोलो झूठ बोल रहे हैं, गए ही नहीं थे वहाँ। सुना है तुम लोगों को सेटिंग बहुत पसंद है, आज तुम पे वही बरसेगा। हमें लोगों की पसंद का बहुत ख्याल है, देख रहे हो ना तुम। ऐसे ही पूजा होगी तुम दोनों की। सामने शुरू हो जाओ। सब बताते सब बोरे सब दिन हम डर गए थे इसलिए कुछ बताया नहीं आपको। सीधी कहानी सुनाओ। हाँ सर, हम दोनों उसको फार्म हाउस ले गए थे। पंखुड़ी क्या हुआ? पंखुड़ी ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं हुआ। फार्म हाउस चलेगी? फार्म हाउस तुम लोग के साथ? हाँ। नहीं मेरे को नहीं आना। अरे पंखुड़ी देख इधर देख, ये बड़े लोग ना हमेशा अपने चलाते हैं, है ना? अब हम तुझे फार्म हाउस लेके चलना, चल। पर तुम लोग मेरे साथ हर बार प्रैंक करते हो। अरे बाबा प्रैंक की कसम। हाँ प्रैंक की कसम। इस बार हम कोई प्रैंक नहीं करेंगे पक्का। अरे तेरी नहीं कसम। अरे अच्छा ठीक है चल चल चल। पंखुड़ी घर वाले से बहुत नाराज थी क्योंकि उसको कोई फार्म हाउस नहीं ले जा रहा था। फार्म हाउस ले जाने के बाद यहाँ कितनी शांति है ना, पर घर वाले तो कुछ समझते ही नहीं है। पर हम यहाँ करेंगे क्या? हमें नहीं पता। हमें क्या पता? भैया, भैया बोलो। बहुत चोरी करती है ना, अब पता चलेगा। भैया प्लीज, भैया देखो मैं सबको बता दूंगी। भैया। फार्म हाउस में बंद करने के बाद अब हम दोनों घूमने चले गए थे और
घूमे फिरे खाए पिए और हमने सोचा कि अब लौट कर उसको टॉर्चर करेंगे, लेकिन लेकिन जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो वहाँ पंखुड़ी पंखुड़ी हमने पंखुड़ी को बहुत ढूंढा पर कोई नहीं मिला। सर ये शरारत नहीं वैसी है ना हरकत है, अपनी बहन को टॉर्चर कर रहे थे तुम लोग। किस तरह की परवरिश की है तुमने अपने बच्चों की, और तुम लोग किसी को दुख देके तुम्हें खुशी मिलती है, चाहे अपनी बहन ही क्यों ना हो। हाँ माँ ये सब नवीन की गलती है, अरे बच्चों को सही गलत समझाने के बजाय उनकी गलतियों को पैसे देके रफा दफा करता है। मेरी गलती है? अरे मैं कम से कम सिचुएशन को हैंडल तो करता हूँ, आपने क्या किया? तो आप करो ना हैंडल। हाँ तो कर रहा हूँ ना मैं। तो करो ना बातें। अरे हाँ तो कर रहा हूँ। अरे चुप रहो, बंद करो ये ड्रामा। मम्मी जी देखिए मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, ये भले ही कितने भी बिगड़े क्यों ना हो लेकिन ये किसी को गायब नहीं कर सकते, मैं सच कह रही हूँ। आजी अरे इस घर में कीचड़ में कमल की तरह थी वो, तुम सबसे अलग, वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती। पता नहीं कहाँ गई मेरी बच्ची, मेरी पंखुड़ी। ना पंखुड़ी ना शरद, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। फार्म हाउस पे मिला ब्लड शरद का है, ये जानने के लिए भी हमें शरद का मिलना बहुत जरूरी है। क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों केसेस में? सर देखा जाए तो एक मिनट। हेलो क्या? ओके सर, फार्म हाउस में मिले ब्लड के फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का ब्लड है। रस्तोगी परिवार में तो गलतियों का इतना ढेर था कि अच्छाई को शायद ढूंढ कर निकालना पड़े। जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे थे उनके पास अपने ही बच्चों के लिए वक्त नहीं था, और अब एक अपराध की दस्तक उनके घर तक आ पहुंची थी, और इसी अपराध के पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने एक बार फिर फार्म हाउस का रुख किया। पूरा फार्म हाउस बारीकी से चेक करो, कुछ भी अजीब दिखाई दे तो इन्फॉर्म करो। सर्च शुरू करो। यस सर। तुम ऊपर देखो, तुम इस तरफ से। सर यहां कुछ है, मिट्टी में खून लगा हुआ है, ये देखिए सर। खुदाई शुरू करो। ओके सर। ये तो पंखुड़ी की लाश है। सर यह भी कंकाल है। सर टोटल 6 बॉडी, सभी छोटी बच्चियों की। एम्बुलेंस बुलाओ और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। हमेशा पैसा कमाना, झगड़े करना, और तुम लोग हंसी मजाक में ही रहते थे। वो ठीक कहती थी, ये घर ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी एक दिन फटेगा। उस ज्वालामुखी में ही मेरी बच्ची जलकर राख हो गई। हनुमान नगर में 4 बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट है जो काफी पुरानी है और अब तक सॉल्व नहीं हुई। हो सकता है कि ये 4 बच्चियां वही हों। अगर ये 4 बच्चियां वही हैं, मान लेते हैं कि 5वीं पंखुड़ी है, तो ये 6वीं बॉडी किसकी है? कहीं और से भी उठाई जा सकती है। मैं शहर के बाकी पुलिस स्टेशन की मिसिंग कंप्लेंट चेक करता हूँ। और हर्ष उस फार्म हाउस से मिले लाइटर को भी ट्रेस करो। जी सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन कुछ बॉडीज की हालत ऐसी है कि शनाख्त होना मुश्किल है, और रिपोर्ट के मुताबिक सभी बच्चियों के साथ रेप और मोलेस्टेशन हुआ है। ये केस एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू हुआ था और सीधे सीरियल चाइल्ड मोलेस्टेशन और मर्डर केस में बदल गया। सबसे रीसेंट बॉडी हमें पंखुड़ी की मिली थी ना? यस सर। बॉडी से हमें मोलेस्टर का सीमेन सैंपल भी मिला होगा, उसे पंखुड़ी के दोनों भाइयों अमित और दर्पण से मैच करो। लेकिन सर अगर कोई घर वाला होगा तो पंखुड़ी को मारेगा क्यों? मामला बहुत गंभीर है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। वैसे शरद का इस केस से क्या लेना है? Thank you.
हेलो साहब। हाँ बोलो। तुम एक मिनट के लिए भी उसे नजर मत हटाना, हम अभी आते हैं। सर खबरी का फोन था, ये शरद उसके घर के आसपास देखा गया। क्यों नहीं आता? चोरी करके तू इतना डर गया था कि अंडरग्राउंड हो गया। चोरी के साथ साथ तूने खून भी किया और रेप भी किया। तेरे टेम्पो में खून किसका था? उधर में चोरी करने के लिए गया था साहब, वो पहले से एक आदमी वहां पे अजीब सा मास्क लगा के घूम रहा था साहब, उसके हाथ में चाकू था साहब, उसने उनको चाकू से अपन के ऊपर हमला किया साहब, मैं अपनी जान बचाते कैसे कैसे भाग गया साहब, तभी मेरे खून का निशान टेम्पो को लग गया होगा साहब। बुलिया कैसा था उसका? सब ठीक है, खट्टा खट्टा आदमी था साहब, चेहरे पे मास्क लगा था तो कुछ चेहरा ठीक से पता नहीं चला साहब। अब रुको, जान बचाने के लिए अपने घर क्यों नहीं गया? वहाँ भी खतरा था साहब, वो लेंदर मेरे पीछे पड़े थे मारने के लिए साहब। कहाँ अंडरग्राउंड हुआ था साहब? वो पास के गांव में साहब, पनेली में, मैं वही था साहब, चाहे तो आप जगह चेक कर लो साहब। वो तो हम पता कर ही लेंगे, पर अब तू अपना ब्लड सैंपल दे, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, तू हमारा मेहमान रहेगा, समझा? ये शरद शायद सच बोल रहा है। 2 अक्टूबर की सुबह उसने बनेली की बस ली थी और वहाँ किसी किसान के घर पे वो किराए पे रुक गया था। हर्ष, कहानी अगर सच्ची भी है तो गढ़ी भी तो जा सकती है हमें गुमराह करने के लिए। सर, रिपोर्ट के मुताबिक टेम्पो पर लगा ब्लड शरद का ही है। मतलब शरद भी नहीं तो फिर कौन हो सकता है? जिस तरह का डिस्क्रिप्शन शरद ने उस मास्क वाले आदमी का दिया था, कुछ कह पाना मुश्किल है। पंखुड़ के बाप और काका दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, अगर कुछ गड़बड़ है भी तो खुद ही सामने आ जाएगी। ये सर, अनिल ने कहा था कि वो फार्म हाउस नहीं जाता है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अक्सर वहां जाता है, वो भी अपने ऑफिस के बाद। सर, उस लाइटर का पता चल गया, उस पर बना बारकोड किसी वेबसाइट का है, ऑनलाइन शॉपिंग से मंगाया गया, ऑर्डर करने वाली कोई मधु नाम की औरत, लेकिन उसका डिलीवरी का एड्रेस अनिल के ऑफिस। चलो पता करते हैं कि लाइटर की शौकीन मैडम ये है कौन। सर, मेरा फार्म हाउस मेरी फैक्ट्री के बगल में ही है, तो जब भी मैं फैक्ट्री से लौटता हूँ तो फार्म हाउस में बाहर से चक्कर मार के देखता हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ जाना पहचान सा लग रहा है? जी सर, ये लाइटर मैंने ही अनिल सर को गिफ्ट किया था। क्यों, अफेयर है तुम दोनों के बीच? सर, हम लोगों का कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है। आप मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं इस शादी से, मेरी बीवी को बात करना नहीं आता, सिर्फ लड़ना आता है, घर जाने से भी डरता हूँ मैं। सर, यही वजह है मेरे और मधु की दोस्ती की, हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, दुख सुख बांटते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे। और दुख बांटने के लिए तुम अक्सर उसके साथ फार्म हाउस पे जाया करते? हाँ सर, लेकिन सर वहाँ पे क्या चल रहा था उसका कोई अंदाजा नहीं था मुझे, मैंने किसी का खून नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हमें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चल हर्ष, कुछ छठी बच्ची के बारे में कुछ पता चला? छठी बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके हाथ में कुछ सालों पहले फ्रैक्चर हुआ जो फिर जाके ठीक हुआ। मैंने उस उम्र की सभी मिसिंग बच्चियों की कंप्लेंट्स की फाइल्स मंगाई, अगर किसी भी बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली, हो ना हो छठी बच्ची हमारी हो। सर, ये किशोर है, अनिल की फैक्ट्री में काम करता है, 2 महीने पहले इनकी भी बच्ची गायब हुई। आपको क्या लगता है इस सब में अनिल का हाथ हो सकता है? वो सब मुझे नहीं पता, हम तो बहुत गरीब आदमी है साहब। हाँ, उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और उनके बच्चों के साथ 2 मिनट में दोस्ती भी हो जाती थी साहब। एक बार मेरी बच्ची को और मेरे कलीग की बच्ची को उन्होंने चॉकलेट दी थी साहब, बस उसके दूसरे ही दिन से हमारी बच्ची गायब थी साहब। बिना कुछ किए ही बच्चियों पे बड़ा प्यार आता है आपको? सर, वो मेरे वर्कर्स की बच्ची है, इसलिए मैं उन्हें चॉकलेट देता था, लेकिन इत्तेफाक से वो गायब हो गई। गलत वक्त पे गलत जगह पहुंचने के बहुत इत्तेफाक है तुम्हारे। क्यों,
सर इनके वकील आए हैं जमानत के पेपर्स देखें। नवीन 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 करना बंद करो। नवीन छोड़ो, जान से मार दूंगा मैं तुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नीलम ने मुझे बताया था तेरे बारे में। क्या क्या तूने मेरी बेटी के साथ? छोड़ी, कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी होगी। पंखुड़ी तो मेरी बेटी जैसी थी और तुम। पंखुड़ी 3 अक्टूबर को फार्म हाउस से गायब हुई, पर अनिल उस दिन शहर में ही था। वो कोई और है जो अब तक हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। नवीन उस दिन उसी एरिया में था जबकि उसने कहा कि वो पुणे गया और उसका फोन 3 तारीख को पूरे दिन स्विच ऑफ था। सर मुझे लगता है सबके पीछे नवीन है। उस दिन फार्म हाउस में पंखुड़ी ने उसे सब कुछ करते देख लिया होगा तो अपने आप को बचाने के लिए उसने पंखुड़ी का कत्ल कर दिया होगा। आपका मतलब है कि मैंने अपनी बेटी के साथ? आप ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं? अरे मैं फोन इसलिए ऑफ किए हुए था ताकि मेरे घर वाले मुझे फोन करके परेशान नहीं करें। उस छठी बच्ची की शिनाख्त हो गई, नाम परी है, नौपाड़ा की रहने वाली। उसकी माँ ने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई। जिस दिन से खेलने गई थी तब से वापस ही नहीं उठी, कंप्लेंट भी लिखवाई नहीं। वो जादू वाला चेयर पे बैठी थी और फिर से गायब हो गई। चेयर? कौन सी चेयर बेटा? वो चेयर बाजू वाले अंकल के पास है। जी कहिए, क्या बात है? सुना है परी तुम्हारी किसी जादू वाली कुर्सी पे बैठी और गायब हो गई। गायब हो? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, वो इस चेयर पे कभी बैठी ही नहीं। हाँ इसकी जब डिलीवरी हुई तो शायद उस वक्त बैठी होगी, तो पता नहीं। कहाँ से ऑर्डर की थी चेयर? रॉयल फर्नीचर। उसका एड्रेस? ये सर। हेलो, हाँ ओके सर, डीएनए सैंपल मैच हो गया, आपका शक सही था। से पहले के हम तेरी खाल खींच दें। सच सच बता, क्यों गया ये सब? सब पता था, सब पता था। अपना कंट्रोल चाहता था सब, जो औरतों पर नहीं बच्चों पर हो सकता था, क्योंकि क्योंकि सब औरतें मकर होती है, धोखेबाज होती है, भाग जाती है, लेकिन बच्चे बच्चे एक थप्पड़ में शांत हो जाती। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अंकल मैंने कुछ नहीं किया। घर जाना है तुझे? हाँ? तो बेटा ऐसे बोला ना। अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। बोलो बोलो, मुझे छोड़ बोलो। अपने पागलपन के लिए इतनी सारी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, सबके लिए वही फार्म हाउस क्यों चुना? वो गाली पड़ा था साहब फार्म हाउस। हाँ अच्छी बड़ी जगह थी, लाशें गाड़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था साहब। हाँ टेम्पो पे तेरा खून कहाँ से आया? वो सब मैं नौपाड़े से उस लड़की को उठाया था। बहुत हाथ पैर पटक चल, मेरे को पत्थर से मारा और टेम्पो के पीछे चुप गई साहब। मैंने भी उसे वहीं से पकड़ा, चल चल फार्म हाउस में लेके उसके ऊपर रेप किया, उसको वहीं मारा और वहीं गाड़ दिया साहब। तभी टेम्पो पे कौन का निशान लग गया होगा साहब। तो टेम्पो छोड़ के क्यों भागा? मैंने सोचा टेम्पो सुबह लेके जाऊंगा, सुबह देखा तो वहां पे टेम्पो नहीं था साहब। पंखुड़ी तेरे हाथ कैसे लगी? वो पुलिस जब मेरे घर पे आई ना तो मैं छुपने के लिए फार्म हाउस गया। उधर वो पहले से ही बंद पड़ी थी साहब, मैंने तो साहब मौके का फायदा उठाया साहब। अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए अंकल, प्लीज बचा लीजिए अंकल, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। जाने तो नहीं, प्लीज। हाँ ऐसे बोल, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मेरे क्यों पीछे पड़े हो? मैं तुम्हारे आगे पैर दबाती हूँ। और उसे भी मार डाला, उसे दफनाने ले जाने वाला था, तभी दो लड़के सामने साए साहब, तो मैंने उसको वो बेड के नीचे छुपा दिया। अंकुड़ी, अंकुड़ी। और जैसे ही वो दोनों चले गए मैंने उसको वही गाड़ दिया। अंकुड़ी।
अगर मेरे हाथ में तुझे सजा देना होता ना तो यही चीर के रख देता तुझे। एक बेहतर जिंदगी जीने की चाह में इंसान ने आज अपने आप को मशीन बना लिया है। आज होड़ लगी है सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की, और इस कंपटीशन ने समाज में मानसिक रोगियों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की है, जिसका शिकार बनते हैं पंखुड़ी जैसे मासूम बच्चे। पैसा जरूरत है लेकिन सब कुछ नहीं, पर सख्त जरूरत है अपने दिलो दिमाग को इन बेतुके और वहशियाना उसूलों से दूर रखने की। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।